वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आपको एक सिटी दिखाने जा रहा हूँ, एक शहर की वीडियो है, आपने देख के बताना कौन सी जगह। बड़ा खूबसूरत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यार, बोट भी है माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बोट है, बड़ा खूबसूरत है यार। मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया नहीं है? नहीं है, नहीं है, बाकी नहीं है नहीं। ये जैसे ये बोट्स हैं बड़ी बड़ी, तो इस तरह समुंदर तो यूएई में भी लगता है या उनका कोई सिटी होगा, क्योंकि मैंने विजिट नहीं किया, लगता वही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी है, बड़ी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है यार। लेकिन वो भी नहीं है यार, वो भी नहीं है। ये फिर मुझे थोड़ा हिंट दे दे कि एशिया में है या एशियन कंट्री है, कोई कंट्री है? चाइना है फिर तो पक्की बात है। चाइना भी नहीं है यार, चाइना भी नहीं है यार। आपको क्या लगता है एशिया में चाइना के अलावा और कोई प्यारा मुल्क? मैं पाकिस्तान का इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि पाकिस्तान तो बेचारा पहले डूबा हुआ है, पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान भी नहीं है ये मैं मानता हूँ। कहीं ये कोई श्रीलंका, उनका कोई शहर तो नहीं? इंडिया। इंडिया, ओ यार कसम से इतना जबरदस्त, मैं नहीं मानता। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने इसे देख के जज करना है कौन सी सिटी हो सकती है, कौन सा शहर है या उसकी जगह है। देखिए ये तो कोई न्यूजीलैंड का सिटी लग रहा है। अच्छा, न्यूजीलैंड ऑकलैंड, एक न्यूजीलैंड बहुत स्मॉलेस्ट कंट्री है लेकिन वो नहायत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल है। मुझे तो एक्चुअली वही लग रहा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के मैचेस भी हो रहे हैं ना, तो पाकिस्तान की टीम जाती है। चले मैं करती हूँ, आपने कहा कि ये न्यूजीलैंड है लेकिन ये न्यूजीलैंड नहीं है, मे भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन और कोई लगाए ना, तुक्का लगा हुआ। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड वो भी नहीं है। फिर ये नो आइडिया, मैं आपको बताता हूँ, एशिया में हिंट देता हूँ ना, एशिया में। एशिया में, एशिया में मे भी दुबई नहीं, ये इंडिया का शहर है। अच्छा, जिसका नाम कूची है। कूची, कैसा लगा दे? हैरानगी हुई। हैरानगी, आपने से स्विट्जरलैंड का, न्यूजीलैंड का, किस बुनियाद पे का? क्या आपकी नज़र में आप समझे कि इतनी खूबसूरती है? क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ वो लगता है ना समुंदर, तो वहाँ पे डिफरेंट देखते हैं इंटरनेट पे भी, तो उसकी खूबसूरती न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए मैंने उससे कंपेयर करके कहा कि शायद न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब इंडिया भी बहुत खूबसूरत हो चुका है, अपने जितने भी उन्हें कंट्रीज आए थे, जितने उनके शहर आए थे, उसको उन्होंने डेवलप किया। ठीक है सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने देख के बताना ये कौन सी जगह और कैसी लगी आपको। जी ये थाईलैंड है आई थिंक। थाईलैंड है? नहीं, देखिए अभी। अच्छा, आपने कहा थाईलैंड है, थाईलैंड किस बुनियाद पे का? थाईलैंड इसमें क्योंकि वो बीच वगैरह हैं इस पर, और थोड़ी सी हिंदी वगैरह थोड़ी लिखी हुई है, तो मुझे लगा कि थाईलैंड होगा। तो थाईलैंड में हिंदी तो नहीं होती? नहीं, वो थोड़े उस टाइप से लिखा, हिंदी की तो नहीं थी, बाकी वो चाइनीज जो भी है लिखा। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये थाईलैंड नहीं है तो उसके अलावा? उसके अलावा ये मुझे पाकिस्तान लग रहा है, कराची वाली साइड। पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान में कराची वाली साइड पर तो कूड़ा बड़ा है यार वो सी पे। फिर ये इंडिया है? ये इंडिया का शहर कूची है जिसका जिक्र हो रहा है, जो कि उन्होंने डिमोलिश किया है, निखर के सामने है। क्यों इंडिया के जो है वो इस तरह के, इंडिया ये इससे आपको पता कि जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो इंडिया पे आएंगे, इंडिया का इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और भी। ठीक है, अब क्या वो क्या इम्पैक्ट सामने लेके आना चाह रहा है लोगों के, अपनी कंट्रीज़ के हवाले से? वो पहली बात तो ये लेना चाह रहा है कि हम बहुत एक अमीर कंट्री हैं, साफ़ सुथरी कंट्री है, और पहले आपको है भी कि नहीं आप बताएं? तकरीबन है वो पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल भी बहुत किया हुआ है, और उनके आपको पता है कि भूख बहुत है उनके, बहुत आबादी भी बहुत है, तो इस वजह से वो अपना शो करवा रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब इंडिया जो है बहुत साफ सुथरा मुल्क है, एक अमीर कंट्री है, तो इधर इन्वेस्टमेंट, उधर वैसे भी फॉरेनर बहुत आते हैं। इंडिया का शहर है ऊँची जिसको डेवलप किया गया है। ठीक है, कैसा लगा आपको देख यार? मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा, जिस तरह का उनका सी है, समुंदर है, मुझे देख के ना वाकई रियली दिल कर रहा है कि मैं यार किसी टाइम मुझे मौका मिले मैं विजिट करूं, और मैं जाके देखूं तो सही यार, मैं विजिट करना चाहता हूं यार। देखो आपको अपनी दुनिया को सैर व तफरी करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला एक टाइम आएगा कि हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे और हम पूरी दुनिया का विजिट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ये खूबसूरती के लिहाज से आपको क्या लगता है कि इंडिया किस लेवल पे है? खूबसूरती के लिहाज से तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे तो ये इंडिया जो है वो पाँचवें
चौथे पाँचवें नंबर पर, क्योंकि इसमें स्विट्ज़रलैंड भी शुरू में आता है और इससे ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे ममालिक हैं। आपने खूबसूरती के लिहाज से कहा लेकिन ये सिटी भी बड़ा खूबसूरत बना। अच्छा, निखार के लोगों के सामने पेश किया। आप देखते हैं, बात ये है कि इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बाहर से फॉरेन लोग आते हैं, वो विज़िट करने आते हैं शहर पर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या उधर देख के खूबसूरती के लिहाज से भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या सोचते हैं इस चीज़ के लिए कि यार ये डेवलप कर रहा है कंट्री? मेरा तो आपको ये मशवरा, पाकिस्तान को भी हाईलाइट करें ना, जिस तरह ग्वादर है, ग्वादर के अलावा हुंजा सिटी है, उसमें भी कई प्लेसेस हैं, आप वो लोगों को दिखाएं। हालांकि मैं नहीं गया हुआ, मुझे नहीं पता ये नेचुरली ब्यूटीफुल है। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने खुद से बनाई है ना, वो चीज़ मैंने दिखाई है। सही, ठीक है। तो क्यों आपको क्या लगता है बाहर से जो इन्वेस्टर आएंगे वो इंडिया पे बिलीव करेंगे इस चीज़ के वजह से कि यार हाँ ये अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं? हाँ, नो डाउट, अगर उनको वो सिक्योरिटी देंगे, वो देखेंगे कि हाँ भी चीज़ बाकी देखने वाली है, तो वो ज़रूर आएंगे, उसमें आके देखेंगे, खूबसूरती नेचर की ब्यूटी को इंजॉय करेंगे। खूबसूरती के लिहाज से आप मुझे बताएं कि किस लेवल की लग रही है? आपने कहा कि सिंगापुर हो गया, ऐसी कोई साइड? हाँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगा, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में ऐसे एकदम उठाना चाहिए जी, उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। कौन सी आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सिटी है वो इस काबिल है कि उसको इस तरह का बनाया जाए? कराची है, बिल्कुल कराची है, कराची को बनाना चाहिए, क्योंकि वो कराची हम सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ठीक है, तो मशहूर भी शहर है, तो उसको बनाना चाहिए। उधर बहुत ही बुरे हालात हैं जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, अगर मुल्क खूबसूरत होगा, बाहर से फॉरनर भी आएंगे, ठीक है, विज़िट करने के लिए मुल्क में, जब वो आएंगे देखेंगे मुल्क की मईशत, मुल्क के सूरत हाल को देखेंगे मौजूदा, तो उस पर पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे, इससे मईशत पर इंडिया की कोई फ़र्क आएगा क्या? GDP का जो है वो और ऊपर चली जाएगी? ज़ाहरी बात है। आपको पता है हमारे जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टूरिस्ट पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया था? क्योंकि आप जब अच्छा पोटेंशियल होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर से इन्वेस्टर भी आता है। अब जब इंडिया ने इतना ज़बरदस्त, उन्होंने एक प्रोटोकॉल के साथ हर चीज़ें ज़बरदस्त बनाई है, अब देखने वाला हैरान होता है कि यार इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी ज़्यादा तरक्की, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, उसके बाद जाहिर बात है जब बाहर के लोग देखेंगे वो वहाँ विज़िट भी करेंगे, आना भी पसंद करेंगे, वहाँ के लोगों को हर तरह की फैसिलिटेट करेंगे, तो हर किसी का दिल करेगा। अब मैंने इस वीडियो को देख के मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं भी किसी को मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगा। अच्छा, इंडिया के इस अचीवमेंट पर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि उन्होंने हासिल की? हासिल तो पहले ही थी, मतलब कि एक उस पर काम किया। यार ये इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल गया, हमेशा यही कहता हूँ कि इनको काम इसी तरह करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग वाकई बड़ी मेहनती हैं। मेहनती पाकिस्तान भी बहुत है लेकिन पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जाता, प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। बस शुक्रिया।